अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें, और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं डाइट विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं वेट लॉस ब्राउन ब्रेड। तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए, 2.5 कप हमें गंदम का आटा चाहिए, चोकर चाहिए हमें 1/4 कप जिसे व्हीट ब्रैन कहते हैं, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए हमें 2 टेबल स्पून और नीम गर्म पानी चाहिए हसबे ज़रूरत। और ब्रेड तैयार करने के लिए ब्रेड मोल्ड चाहिए जिसे हमने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, तो इसे रख देंगे साइड पे और डो को गूंद लेंगे। सबसे पहले हम ये आटे में व्हीट ब्रैन डालेंगे जिसे चोकर कहते हैं। अब इसमें ईस्ट डाल देंगे, नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे, और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। तो सॉफ्ट सी डो हमने गूंदनी है, अच्छे से इसे 15 मिनट तक गूंदेंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसे 15 मिनट तक अच्छे से गूंदते जाएंगे। अब इसे निकाल के अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरह आप हाथ की हथेली से इसे गूंदते जाएंगे। तो ये हमने अच्छे से गूंद लिया, अब इसे हम रोल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ पे दबा के, तो थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे नीचे इसे रोल करने के लिए। अब इसको फैला लेंगे, इतना फैलाएंगे जितना हमारा सांचा है। ये देखें जितना हमारा सांचा है उतना हमने डो को फैलाया है। अब इसे रोल कर लेंगे, तो इसको साइड पे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इसको रोल करते जाएंगे। तो ये रोल कर ली हमने, अब इसे रख देंगे हम इसी सांचे में जिसे हमने ग्रीस किया हुआ है, तो इसमें रख देंगे राइज होने के लिए। थोड़ा सा फैला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे हम 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के बाद हमारी डो राइज हो जाएगी, उसके बाद हम इसे बेक करेंगे वो भी पतीले में। तो ब्राउन ब्रेड की डो हमारी 1 घंटे में राइज हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छी राइज हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भी 1 घंटे में राइज होगी, मैंने डो को बहुत अच्छे से गूंदा है। अगर आप अच्छे से गूंदेंगे तो आपकी जल्दी 1 घंटे में राइज हो जाएगी, वरना 2-3 घंटे लग सकते हैं। पतीले को प्रीहीट करने के लिए एक पतीला लेंगे, उस पर ये नमक बिछा लेंगे और साथ कोई जाली स्टैंड रख लेंगे। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी आप स्टील का बर्तन रख सकते हैं। तो ये नमक जो हम इस्तेमाल करेंगे बेक करने के लिए, ये आप हमेशा जब बेक करेंगे तो पतीले में नमक को बिछा लें, यही नमक को, नया नमक ना इस्तेमाल करें, यही नमक आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। तो अब इसे कवर कर देंगे हम, अच्छे से इसे गर्म कर लें 10 मिनट में हाई फ्लेम पे। तो अब इस पर हम टॉपिंग कर देंगे व्हीट ब्रेन की जिसे हम चोकर कहते हैं। तो अब इसे हम बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। पतीला अच्छे से प्रीहीट हो गया, अब इसको हम इसके अंदर रख देंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं, ब्राउन ब्रेड हमारी तैयार हो गई होगी। तो ये ब्राउन ब्रेड हमारी विदाउट ओवन तैयार है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे, तो ये स्टैंड लें, इसके ऊपर ये ब्रेड रख दें, अच्छे से 1-2 घंटे में ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसे स्लाइस में कटिंग करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। 1 उंगली के मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है, तो ये हमने रखनी है
तो उसको काट लेंगे। तो ये हमारा एक ब्रेड का स्लाइस, इसी तरह सारी काट लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट आया इसका, बिल्कुल बाजार जैसा, जो हम बाजार से ब्राउन ब्रेड लेके आते हैं वैसे ही रिजल्ट आया इसका। तो तैयार है हमारी होममेड ब्राउन ब्रेड, बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी इसी तरह बनाइएगा तो आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके घर में ही ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।